उनको संदेश ये देना चाहते हैं, अभी वो यहाँ ना आए, अभी यहाँ के कायदे कानून जो प्रशासन की तरफ से डेट मुहैया होगी उसी डेट में आएंगे, इत्तला दी जाएगी, अभी ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ। आदाब, मैं हूँ सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर, हुसैन टेकरी के रोज़े खुले हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि अभी यहाँ बाहर से आने वालों के लिए माहौल नहीं बना है। देखें क्या कह रहे हैं यहाँ के जाकिर मौलाना शानदार हुसैन। सुन, मैं शानदार हुसैन बोल रहा हूँ, हुसैन टेकरी शरीफ के बड़े रोजे के ऑफिस से। आपकी शक्ल मुझे दिख रही है, आप भी देख, मुझे देख रहे हैं। जी जी, है ना जी। आज से यहाँ भी बोलिए, आज से यहाँ, आज से यहाँ इमाम हुसैन के रोजे पर, तमाम रोजों पर कानून और कायदे का पालन करते हुए यहाँ रोजों की जियारत का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग लाइन में खड़े हुए हैं, बड़े उत्साह के साथ अपनी मनोकामना लेके हुसैन के रोजे पर आए हैं। ये 3 महीने की बंदी के बाद आज भारत के लोगों को आजादी मिली है, लोग अपने आस्था का सबूत दे रहे हैं। ये बताइए कि 78 दिनों बाद ये यहाँ रोजे खुल रहे हैं, कैसा लग रहा है, लोग क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? लोगों में बड़ा उत्साह है, बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमारे दुखों का निवारण का सहारा इमाम हुसैन का रोजा खुल गया है। क्योंकि यहाँ पर लोग जिनकी कहीं मन्नत मुराद नहीं पूरी होती है, या जो लाइलाज बताए जाते हैं वो भी शिफा मिल जाती है, थोड़ा सा आप उस पर भी 2-4 लफ्ज बोल दें भाई। यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले लोग, जो बीमार है, दुख दर्द के मारे हैं, जिनका कहीं नहीं सहारा है, वो दरे हुसैन पे अपना सहारा ढूंढते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, बीमारी दूर होती है। लोग काफी उत्साह में है, नियम का पालन करते हुए रोजों में जाते हैं, लेकिन सलाम करके फिर वापस चले जाते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोबान भी नहीं होगी, क्योंकि लोबान में दौड़ा भागी करते थे, इसलिए नहीं, लोबान हो रही है, लोबान सिर्फ मुजाविर अंदर देता है, बाकी पब्लिक के लिए नहीं है। जी जी, अभी खाली पब्लिक ज्यादा करके बाहर निकल जाती है। अच्छा मौलाना, आप जो बाहर से बहुत सारे लोग बेचैन हैं, देश भर के लोग बेचैन हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि तकरीबन 3 महीने के आसपास हो रहा है वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनमें बेचैनी थी कि रोजे खुले तो वो इधर आए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनको संदेश ये देना चाहते हैं, अभी वो यहाँ ना आए, अभी यहाँ के कायदे कानून जो प्रशासन की तरफ से डेट मुहैया होगी उसी डेट में आएंगे, इत्तला दी जाएगी, अभी ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ आने वालों के लिए। जी जी, शायद ट्रेन और बसें, बसों की कनेक्टिविटी भी सही नहीं है। हाँ, अभी ट्रेन बंद है, रिक्शे भी बंद है, सब बंद है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।